नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं गुलशन कुमार। वक्त हो चला है फटाफट का, आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। पटना के नेवरा थाना क्षेत्र के गोदना में बड़ा हादसा। 22 मजदूरों से भरी बस गड्ढे में पलटी, 2 मजदूर घायल। बरौनी से बक्सर जा रही थी बस। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 8 लुटेरे गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 1.5 दर्जन गोली और 2 लाख कैश बरामद। अलग अलग थानों में लूट एवं हत्या के मामले थे दर्ज। मोतिहारी में कुख्यात नक्सली भुन्ना मियां गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। एएसपी अभियान हिमांशु गौरव के नेतृत्व में की गई थी छापेमारी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बाहर फंसे मजदूरों को जल्दी वापस लाइए। सीतामढ़ी रीगा प्रखंड के बुलाकीपुर स्थित उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत समस्याओं को लेकर मजदूरों ने किया हंगामा। खाना खाने से किया इनकार। बेगूसराय बकरी में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। ट्रेवल हिस्ट्री खंगालने में जुटी स्थानीय प्रशासन। इलाके पर की जा रही है निगरानी। गोपालगंज जिले के रेवतीतगढ़ गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या। सास पर लगा दहेज उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने सास को किया गिरफ्तार। सीएसपी लूटकांड में राधकपुर पुलिस ने 7 अपराधी को किया गिरफ्तार। वैशाली जिला के सीएसपी सेंटर पर दिया था लूट कांड के घटना का अंजाम, पुलिस ने भेजा जेल। सारण जिले की एक महिला ने 3 बच्चे को दिया जन्म। मढ़ौरा के निजी अस्पताल में 3 बच्चे को दिया जन्म। तीनों बच्चा और जच्चा सुरक्षित। बेगूसराय में क्वारंटाइन सेंटर की बड़ी लापरवाही। आदर्श मध्य विद्यालय गरपुरा में क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक को काटा सांप। गंभीर स्थिति में बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया। बेगूसराय जिले के छोराही में क्वारंटाइन सेंटर के फर्श पर बेहोश पड़ा रहा प्रवासी कामगार। लोगों के उड़े होश, संक्रमण के डर से लोगों ने नहीं की मदद। समस्तीपुर जिले के तेजाब कांड में दलसिंहसराय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपसी विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोगों पर पड़ोसी ने फेंका था तेजाब। समस्तीपुर पुलिस का मानवता भरा चेहरा देखने को मिला। जिले के 0 माइल चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है भोजन। समस्तीपुर के दरवा में जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली। घायल युवक का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। बाहर से ट्रेन से आ रहे मुजफ्फरपुर के 11 प्रवासी मजदूर समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कूदे। रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार, स्थानीय प्रशासन को सौंपा। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड में आवास सहायक अस्मिता कुमारी का घूस लेते वीडियो वायरल। आवास देने के एवज में ले रही थी घूस। समस्तीपुर जिले के क्वारंटाइन सेंटर सामूहिक किचन में मनपसंद खाना खुद बना सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग, जिला अधिकारी ने दिया आदेश। समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के हरपुर रेवाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच मारपीट, पत्नी घायल, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। बेगूसराय नगर थाना पुलिस का मानवीय चेहरा। रूठे बच्चे के चेहरे पर लाई खुशी। लॉकडाउन के कारण खुद ही बच्चे के घर केक लेकर पहुंच गए थाना अध्यक्ष। बच्चे का मनाया जन्मदिन। बिहार में बदलते मौसम को लेकर एक बार फिर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। सूबे के कई जिलों में 14 मई तक आंधी और पानी की आशंका। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।